أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ना सीखना अमल करना आसान करे और इसको हमारे बख्शिश का जरिया बनाए, आमीन। हम इंशाल्लाह ताला आज का लेसन हम शुरू करेंगे। आज का लेसन है सूरतुल अनआम आयत नंबर 74 से 92 तक। इंशाल्लाह ताला हम इसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन को ऐसे ब्रेक करके पढ़ेंगे ताकि हमें उसको बाद में भी याद करना आसान हो और आइए आगे भी हमारे काम आए। आयत नंबर 74 से शुरू करते हैं सूरतुल अनआम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ और जब क़ाला कहा इब्राहिमो इब्राहिम ने, इब्राहिमो पे जो पेश है ये डूअर की है जैसे इब्राहिम ने कहा, ली अभी ही अपने बाप से। इसमें ये देखेंगे जब कौला के काफ वाव, आपको पता है कौला का जो रूट वर्ड है काफ वाव लाम होता है। कौला के बाद अगर कौला यकूलू कौलन कौल के बाद अगर जो लाम आता है जैसे यहाँ पे ली दिख रहा है, इसका मतलब होता है किससे कहा। इसलिए इसकी ट्रांसलेशन हम लिए नहीं करते बल्कि कौला के बाद जो ली आता है इसका मतलब है इससे कहा। जैसे कौला इब्राहिम, इब्राहिम ने कहा किससे, ली, ली का ट्रांसलेशन है से। कौला इब्राहिम कहा इब्राहिम ली अभी ही अपने बाप से। अपने कहां से आया, ही के ट्रांसलेशन है उसके बाप से, यानी कि उसने अपने बाप से कहा था ली अभी ही अपने बाप से कहा। आजरा आजर से नाम ले लिया बाप का। अतत्तखिज़ु क्या, आ का ट्रांसलेशन है क्या। तत्तखिज़ु तू बनाता है, इसमें जो पहली ता है इसकी ट्रांसलेशन है तू। रूट वर्ड है अखज़ा हमजा खौल खौ और दाल। तो अतत्तखिज़ु क्या तू बनाता है असनामन बुतों को। असनामन जो है प्लूरल में है इसलिए इसकी ट्रांसलेशन हम प्लूरल में ही करेंगे। आलिहतन इलाह, आलिहतन भी इलाह का प्लूरल है तो बुतों को इलाह। इन्नी बेशक मैं, इन्नी में जो यहाँ या आ रहा है या की ट्रांसलेशन है मैं। इन्ना प्लस या जब होता है यानी कि इन्नी प्लस या बेशक मैं। और का मैं देखता हूँ तुझे, इसमें जो हमजा पे जबर, आपको हमजा पे फतह दिख रहा है ये है इसकी ट्रांसलेशन है मैं। रआ, रआ का रूट वर्ड है रा हमजा या। जब भी देखने के मतलब आएंगे उसका रूट वर्ड होगा रा हमजा या। अब यहाँ पे आपको रा पे खड़ी जबर दिख रही है मगर रूट वर्ड है इसका रा हमजा या। तो अरा मैं देखता हूँ का तुझे, का ट्रांसलेशन तुझे, मैं देखता हूँ तुझे। व कौम का और तेरी कौम को, फी दलाल, फी के ट्रांसलेशन मैं इन, दलाल गुमराही उर्दू में भी हम कहते हैं दलालत और दौलिन भी से। फी दलाल गुमराही में मुबीन खुली, मुबीन का रूट वर्ड है बायानून बयन जैसे खुली चीज, मुबीन खुली। व कदालिका और इसी तरह, नूरी हम दिखाते हैं, इसमें जो ये नून है इसका ट्रांसलेशन है हम, नूरी हम दिखाते हैं। फिर अगेन देखें हम रा, इसका भी रूट वर्ड का रा हमजा या। जब भी देखने के मतलब आएंगे, अब वो अलम तरा कैफा में है या नूरी है या अराइता में है अराका में, जब भी देखने का रूट वर्ड आएगा रा हमजा या। नूरी हम दिखाते थे इब्राहिमा इब्राहिम को मलकूत बादशाहत। असमावाती, समावात प्लूरल में इसलिए ट्रांसलेशन आसमानों। वल अर्दी और जमीन की, वल यकूना वा और ली ताके, ली जब फेल के पहले आता है उसका ट्रांसलेशन अक्सर ताके होता है। अगर ये इसम से पहले होता तो हमने देखा लिए भी होता है इसका ट्रांसलेशन, इसलिए लिल्लाही अल्लाह के लिए। वली और ताके, यकूना या का ट्रांसलेशन है इसमें वो, वली यकूना वा और ली ताके या वो, कून वो हो जाए। मीनल मुकिनीन, मुकिनीन का रूट वर्ड है वाकाफनान, कून वा काफनून यकीन इसी से है लफ्ज। और मीम की वजह से और बाद में ईना की वजह से इसका ट्रांसलेशन जो है हम वाले करके करते हैं, यकीन, यकीन करने वालों में से। मिनल मुकिनीन, फलम्मा फिर जब,
जन्ना छा गई। जन्ना का रूट वर्ड है जीम नून नून। जन्ना जो है एज अ वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है जैसे फेल की तरह कि वो छा गई, और ये रूट वर्ड इधर ही यूज, यानी कि रूट वर्ड तो बहुत दफा यूज हुआ है मगर जन्ना करके फेल करके यहीं पे लफ्ज यूज हुआ है, जन्ना छा गई। अलैहि उस पर, अल्लैलु रात, रआ उसने देखा, रआ में भी देखना आ रहा, हमजा या रूट वर्ड है, और आखिर में जो ये हमजा पे फतह आपको खड़ी जबर दिख रही, तो इसलिए इसके जो उसने देखा ही, इसमें ही की जमीर छुपी हुई, उसने देखा, कौकबन एक सितारा, कौला उसने कहा, हाजा ये रब्बी मेरा रब है। इसमें मेरा कहाँ से आया, ये जो रब्बी में या आया ना या साकिन, उसकी वजह से मेरा रब है। फलम्मा फिर जब, अफला वो छुप गया। अब ये देखिएगा कि जब फेल में एंड में अक्सर आप देखेंगे कि जब फतह आता है तो उसमें ही छुपा होता है, ही, ठीक है, तो अफला, इसीलिए ही के ट्रांसलेशन वो, अफला वो छुप गया। अफला जो है ये कुरान में इसका रूट वर्ड हमजा फा लाम ही है, और ये कुरान में चार दफा आया, चारों दफा आप इधर ही सूरतुल अनाम में पढ़ेंगे, आज के लेसन में पढ़ लेंगे, इसके बाद अफला नहीं नजर आएगा। अफला का मतलब छुप गया, सेट हो गया, जैसे कोई चीज जैसे चली जाती है, सेट, सन सेट या मून सेट चला जाता है तब उसके लिए आता है। अफला वो छुप गया। कौला कहा, ला नहीं, उहिब्बू, इसमें हमजा पे जो दम्मा है इसका ट्रांसलेशन है मैं, नहीं मैं पसंद करता, हा बाबा हुब से मैं पसंद करता, अल आफिलीन छुपने वालों को। याद रखेगा कि अगर फाइल का वजन हो या मीम और ईना, जैसा खत्म अब मुकिनीन सुना था, उसकी ट्रांसलेशन में हम वाला वाले करके करते हैं। यहाँ पे भी देखे फाइल आफिल, तो इसलिए ट्रांसलेशन वाला करके करेंगे, प्लूरल में है, ईना की वजह से छुपने वालों को, रूट वर्ड सेम है हमजा फालाम। फलम्मा फिर जब रहा उसने देखा, अल कमरा चांद को, बाज़िगन चमकता हुआ, बाज़िगन बाज़ा गैन है रूट वर्ड है, ये कुरान में दो दफा यूज हुआ है और दोनों दफा आपको यहीं पे नजर आ जाएगा इसी लेसन में, बाज़िगन चमकता हुआ। कौला उसने कहा, हाजा ये रब्बी मेरा रब है, फलम्मा फिर जब अफला वो छुप गया, कौला उसने कहा, लइन अलबत्ता अगर, लइन में दो चीजें हैं, लाम यानी कि अलबत्ता और अगर, लइन अलबत्ता अगर, लम नहीं, यहदिनी यहदिनी हिदायत दी नी मुझे, इसमें आप देखें जो नी आ रहा है उसमें मुझे है नी, यहदिनी नहीं हिदायत दी मुझे रब्बी मेरे रब ने, लअकूनन्ना ला अलबत्ता, ला का ट्रांसलेशन तो अलबत्ता होता है, और आखिर में नून पे जब तशदीद देखते हैं उसका मतलब होता है, यानी लाम एक ताकीद है, एम्फेसिस जैसे किसी चीज पे जोर देना, और जब उसके अलावा नून पे तशदीद आया आखिर में तो डबल एम्फेसिस हो जाता है, यानी कि अलबत्ता जरूर जैसा, तो अब अलबत्ता लाम से आ गया, नून की तशदीद की वजह से आ गया आपके पास जरूर, और इसके बाद आपको यहाँ पे ये हमजा दिख रहा है जैसा ये वाला हमजा पे फता, इसका ट्रांसलेशन है मैं, ठीक है, अलबत्ता मैं जरूर हो जाऊंगा, मिनल कौमे दौलिन, मिनल कौमी उन लोगों में से, अदौलिन जो घुमरा है, फलम्मा फिर जबरा उसने देखा, अशम्सा सूरज को, बाज़िगतन चमकता हुआ, सेम वर्ड अभी पहले भी आया बाज़िगा करके और अभी आ गया बाज़िगतन कहके, क्या है चमकता हुआ। कौला उसने कहा, हाजा ये रब्बी मेरा रब है, हाजा ये अकबरु सबसे बड़ा है। फलम्मा फिर जब अफालत वो छुप गया, तीसरी दफा ये रूट वर्ड यूज हो गया कि चौथी दफा, फोर्थ टाइम, अफालत वो छुप गया। कौला उसने कहा, या कौमी, या का ट्रांसलेशन ए, कौम का ट्रांसलेशन कौम, और ये जो मीम के नीचे जेर है, नीम के नीचे आपको कसरा नजर आ रही है, उसका ट्रांसलेशन है मेरी, क्योंकि एक्चुअली इसमें एक या था जो गिर गया किसी वजह से, तो लेकिन इसे मीम के नीचे जेर बता रही है कि ए मेरी कौम, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नी बेशक मैं, बरी उन जिम्मा हूं, मिम्मा उससे जो, मिम्मा जो है मिन और मा मिला के मिम्मा बनता है, मिम्मा उससे जो तुशरीकून तुम शरीक ठहराते हो, पहले था और आखिर में ऊना, इसका मतलब है तुम प्लूरल, तुम शरीक ठहराते हो। आयत नंबर 79, इन्नी बेशक मैं,
वज्जहतु में वाओ अजीम हा रूट वर्ड है, और इसका मतलब है डायरेक्शन, चेहरा। वजह वज का मतलब होता है चेहरा, मगर जब वज्जहतु का यूज होता है तो डायरेक्शन करना, क्योंकि जहां हमारा चेहरा होता है उधर ही हम डायरेक्शन डायरेक्ट करते हैं ना, डायरेक्शन होती है हमारी। वज्जहतु, रुख कर लिया तो तू, मैंने, तू का ट्रांसलेशन मैंने, वजह तो रुख कर लिया मैंने, वजह या अपने चेहरे का, इसमें वज तो इसका रूट वर्ड आ गया, और आखिर में जो ये या है इसकी ट्रांसलेशन क्या है, मेरा, जैसे माइन, तो इसीलिए अपने चेहरे का, मेरे चेहरे का रुख कर लिया मैंने अपने चेहरे का। लिल्लजी, ली का ट्रांसलेशन लिए, अल्लजी उसके, वो जो, उसके लिए जिसने, फतौरा पैदा किया, आसमानों और जमीन को, हनीफन यकसू होकर, हनीफ का ट्रांसलेशन यकसू, वमा और नहीं मैं, अना मैं, मिनल मुश्रिकीन, मुश्रिकीन में से। आयत नंबर 80 आ गई। हाजहू, और हाज झगड़ा किया, हु उसने, हु जो है उसने, कौमुहू और झगड़ा किया उससे, उससे झगड़ा किया, कौमुहू, मीम, कौम पे जो पे आपको दम्मा नजर आ रहा है उसकी ट्रांसलेशन ने है, क्योंकि वो डूअर है, तो उसकी कौम ने, और हु जो है हिज के लिए, यानी कि उसकी कौम ने, कौला उसने कहा, अतुहाजूनी आ क्या ता तुम, हाज का मतलब हाजा, अगर हाज जिम जिम रूट वर्ड है, हुज्जतबाजी जैसे कहते हैं झगड़ा करना, तो हाजून, हाजून तुम प्लूरल में जैसे है, तो हाजून तुम प्लूरल में झगड़ते हो, नी मुझसे, आखिर में जो नी आ रहा है, तो जो के बाद या जो लगा हुआ है वो मुझके लिए, ठीक है। अतुहाजूनी, क्या तुम झगड़ते हो मुझसे, फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, वक़द, हालांकि, तहकीक। वा का ट्रांसलेशन ज्यादातर और होता है, मगर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट इसका ट्रांसलेशन हालांकि भी होता है, हालांकि, वक़द, वक़द, हालांकि, तहकीक। हदानी, उसने हिदायत दी मुझे, हदा में जो ये है इसकी वजह से ट्रांसलेशन उसने, उसने हिदायत दी, और आगे ये नी है इसका ट्रांसलेशन मुझे, जैसे हमने पहले भी अभी पढ़ा था, और या कौमी में मीम के नीचे जेर था, तो मैंने आपको कहा था कि इसमें याद थी जो गिर गई किसी वजह से, तो इसके ट्रांसलेशन मेरी था, तो यहाँ पे भी एक्चुअली नून के बाद या था जो गिर गई, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन नी मेरी मुझे, जैसे हदानी उसने हिदायत दी मुझे, वाला और नहीं अखौफ मैं डरता, मैं खौफ करता, खावा फारूट है, अखाफ मैं डरता उनसे, माँ जिनको तुशरिकुन तुम शरीक ठहराते हो, भी साथ उसके, इल्ला मगर, अन ये के, अन की ट्रांसलेशन होती दैथ ये के, यशा चाहे रब्बी रब मेरा, शई अन कोई चीज, वसा इहाता कर रखा है रब्बी मेरे रब ने, कुल्ला हर शय इन चीज का, इल्मन इल्म के एतबार से, अफला क्या भला नहीं, तज़क्करून ता की ट्रांसलेशन है तुम, और तज़क्करून में जाल का अफ़रा तो रूट वर्ड है, और ये प्लूरल में है ऊना की वजह से पता चला, और तज़क्कर का मतलब होता है नसीहत पकड़ना, तो तज़क्करून तुम नसीहत पकड़ते। आयत नंबर 81। वह कैफा, और हाउ कम, और क्यों कर, और कैसे, कैफा का मतलब है कैसे, हाउ कम, वह कैफा और क्यों कर, अखाफू मैं डरू माँ उससे जो, उससे जिसको, अशरक तुम शरीक बनाया तुमने, उर्दू में भी हम तुम के लिए यूज करते हैं, अरबी में भी इसी तरह होता है, अशरक तुम शरीक बनाया तुमने, वाला जबके नहीं, यहाँ पे भी वा का ट्रांसलेशन हालांके या जबके, ला नहीं, तखाफूना तुम प्लूरल में हो, ता और ऊना है तो तुम प्लूरल में, खौफ रूट वर्ड, तखाफून तुम डरते, अन्नकुम बेशक के, बेशक तुम, अशरक तुम शरीक बनाया तुमने, बिल्लाही अल्लाह का, माँ उससे जो, लम नहीं, युनज़िल उसने नाजिल की, इसमें या की वजह से ट्रांसलेशन उस आ रहा है ही के चीज़ें, उसने नाजिल की, युनजिल उसने नाजिल की, भी जिसकी, अलैकुम तुम पर, सुल्तानन कोई दलील, फअय्यू तो कौन सा, अय्यू जो होता है ये होता है विच, विच वन, जैसे इंग्लिश में हम बोले फ, तो अय्यू, फअय्यू तो कौन सा, अल फरीकैनी, फरीक कहते हैं एक ग्रुह को, और आईनी जो दिख रहा है आपको इसका, इसका जब प्रथम आईनी करके, तो ये होता है डुअल का सीगा, यानी कि दो, इसमें दो छुपा होता है, तो इसका ट्रांसलेशन आईनी की वजह से दोनों,
الفریقین دونوں گروہوں میں سے, تو کون سا دونوں گروہوں میں سے احق زیادہ حقدار ہے؟ اس میں جو یہ طریقہ ہوتا ہے احق, اس جسے اکبر زیادہ بڑا ہے, احق زیادہ حقدار ہے, تو اس کو اس میں تبدیل کا صیغہ کہتے ہیں, جسے ہم کسی چیز کا کمپیرزن کسی سے کرتے ہیں. امن کا زیادہ حقدار ہے امن کا, ان کن تم اگر ہو تم, تعلمون تم جانتے. آیت نمبر 82 آگی, الذین وہ جو آمنو ایمان لائے, ولم اور نہیں, یلبسو انہوں نے ملایا. لام باس سین روٹ ورڈ ہے, لبسا کی لباس اس کا جو روٹ ورڈ ہے, اس کے میننگ ہوتے ہیں جیسے مکس کرنا کسی چیز کو, ڈاؤٹ فل کر دینا, کنفیوز کر دینا, یہ مطلب بھی ہوتا ہے اس کا. تو یہاں پہ ولم یلبسو اور نہیں انہوں نے مکس کیا, ملایا ایمانہم اپنے ایمان کو, بی ظلمین بی ساتھ ظلمین ظلم کے, اولائکا یہی لوگ ہیں, لہم ان کے لیے, الامن امن ہے, وہم اور وہی, مہتدون ہدایت یافتہ ہیں. مہتدون کا روٹ ورڈ ہادل یا ہدایت سے, اور جب مہتدون ہا کے بعد تا کے بعد دال آتا ہے, اس کے ٹرانسلیشن ہمیشہ آپ ہدایت یافتہ دیکھیں گے, یعنی جو ہدایت پا چکے مہتدون. وتلکم اور یہ ہے حجتنا, حجت ہماری, اس میں جو آخر میں نہ آ رہا ہے اس کا ٹرانسلیشن ہماری, حجت ہماری, آتیناہ آتی دیا, نہ ہم نے دیا تھا, ہم نے ہا اسے, ہا کی ضمیر فیمنین ہوتی ہے تو فیمنین کی طرف اشارہ, تو ہم نے اسے, تو ہا اسے ٹرانسلیشن ہے, تو آتیناہ دیا تھا نہ ہم نے ہا اسے, ابراہیم ابراہیم کو, علی قوم ہی اس کی قوم کے خلاف, نرفع نون کا ٹرانسلیشن ہے ہم, رفع روٹ ورڈ ہے, رفع کہتے ہیں بلند کر کے, نرفع ہم بلند کرتے ہیں, درجات درجات, من جس کے, نشاء نون کا ٹرانسلیشن یہاں پہ بھی ہم ہے, نشاء ہم چاہتے ہیں, بے شک رب کا, رب آپ کا, حکیم بہت حکمت والا ہے, علیم بہت علم والا ہے. آیت نمبر 84, ووہبنا و اور روٹ ورڈ ہے وہب, اللہ کا نام وہاب بھی اسی سے ہے, وہابا اور ہبا بھی لفظ سے آتا ہے عطا کرنا, وہب اور عطا کیے, نہ ہم نے, نہ کا ٹرانسلیشن کیا ہے ہم نے, اور عطا کیے ہم نے, لہو اسے یا اس کے لیے, اسحاق, اب سارے پروفٹس کے نام ہیں اسحاق اور یعقوب, کلن ہر ایک کو, ہدینا ہدایت دی ہم نے, اور نو کو, ہدینا ہدایت دی تھی ہم نے, من قبل اس سے پہلے, ومن ذریتہی اور اس کی اولاد میں سے, داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو, وکذالک اور اسی طرح, نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں. اب آپ کو بالکل آپ دیکھیں کتنا زیادہ نون آ رہا ہے, ہم جزا دیتے ہیں, ہم بدلہ دیتے ہیں, المحسنین احسان کرنے والوں کو, میم کی وجہ سے ٹرانسلیشن کرنے والوں کر کے کریں گے, احسان کرنے والوں کو. آیت نمبر 85 میں پھر پروفٹس کے نام آ گئے, وہ زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس, سب کے سب من الصالحین نیک لوگوں میں سے تھے, اور اسماعیل اور الیسع و یونس اور یونس اور لوط, وکلن اور ہر ایک کو, فضلنا فضیلت دی ہم نے, اعلیٰ اوپر, العالمین تمام جہانوں کے, تو تمام جہان والوں پر, ومن آبائہم اور ان کے آبا و اجداد میں سے, وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے, سب کا ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے اس لیے کہ یہ پلورل میں ہے, آبائہم ان کے آبا و اجداد میں سے, ان کی اولادوں میں سے, و اخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے, واجتبیناہم اس کو توڑتے ہم, اس کا روٹ ورڈ ہے جا جیم با واؤ, اور واجتبیناہم اور اس میں اور چن لیا ہم نے انہیں. اچھا اس میں جو نا ہے, یہ جو آپ کو نا نظر آ رہی ہے, اس کی ٹرانسلیشن ہے ہم نے, اور ہم کی ٹرانسلیشن ہے انہیں, واجتبینا اور چن, واجتبینا اور چن لیا ہم نے ہم انہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجتبہ بھی کہتے ہیں, مجتبہ کا مطلب ہوتا ہے چوزن ون, واجتبیناہم اور چن لیا ہم نے انہیں, وہدیناہم ہدایت دی ہم نے انہیں, الی طرف راستے کے, الی صراط طرف راستے مستقیم سیدھے کے. 88 آئے تاکہ ذالک یہ ہدا ہدایت ہے, اللہ کی, یہدی وہ ہدایت دیتا ہے, بھی ساتھ اس کے, من جسے, یشاء وہ چاہتا ہے,
मिन इबादिही अपने बंदों में से, वलव और अगर अशरकू वो शरीक करते। आप देखें जब आखिर में वाव साकिन और अलिफ ऐसे हम लिखा हुआ देखते हैं, ये प्लूरल के लिए होता है, वो अशरकू वो शिर करते हैं। लहबिता, ला का ट्रांसलेशन अलबत्ता, लहबिता अलबत्ता जाया हो जाते हैं, हा बा तो होता जाया होना, अलबत्ता जाया हो जाते हैं। आनहुम उनसे, मा जो कानू थे वो, या मलून वो अमल करते। आयत नंबर 89, उलाइकल्लदीना यही लोग हैं वो जो, आते ना हम आते दी ना हमने हम उन्हें, आते ना हम दी हमने उन्हें, अल किताब वल हुक्म वल नबुवा किताब और हिकमत और नबुवत, फइन फिर अगर यकफुर कुफुर करते हैं, बिहा उसका हाउलाई ये लोग, फकत तो तहकीक, वक्कलना मुकर्रर कर दिया हमने। अच्छा, इसमें वक्कला रूट वर्ड है वॉक ऑफ लाम, और कुरान में इसके तवक्कुल और वकील इस तरह के बहुत आए इस रूट वर्ड से, मगर वक्कला करके जैसे किसी को इंचार्ज बना देना मुकर्रर कर देना, वो सिर्फ 2 दफा यूज हुआ है बस, ये इस तरह वक्कला करके, तो 1 दफा इसका है, वक्कलना मुकर्रर कर दिया हमने, अपॉइंट कर दिया हमने, बिहा साथ उसके, कौमन एक कौम को, लैसू नहीं है वो। इसमें जो लैसा होता है नहीं के लिए, इसमें वाव साकिन अलिफ बता रहा है कि दे आर नॉट, जैसा वो नहीं है प्लूरल में, लैसू नहीं है वो, बिहा उसका, भी काफिरीन इनकार करने वाले, काफिर भी फाइल का वजन है इसलिए वाले करके है, फाइल काफिर इनकार करने वाले। आयत नंबर 90, उलाइक अल्लज़ीना यही वो लोग हैं जिन्हें हदल्लाहु हिदायत दी अल्लाह ने, अल्लाह लफ्ज अल्लाह पे आपको दम्मा नजर आ रहा है, ये डूअर है, अल्लाह ने, फबी हुदा हम फा पस बी का ट्रांसलेशन यहाँ पे की है, तो फबी हुदा हम उनकी हिदायत, हुदा हम उनकी हिदायत, बस उनकी हिदायत की इक्तदी आप पैरवी कीजिए। इक्तदी रूट वर्ड है कौफ दाल वाव, ये इल्लत वाला है, इसको आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, इक्तदी कौफ दाल वाव, और मुक्तदी इसी से आता है, इक्तदा हम उर्दू में भी यूज करते हैं और कुरान में, लेकिन ये रूट वर्ड से 2 दफा यूज हुआ है, तो कौफ दाल वाव रूट वर्ड है, इसका मतलब है यू फॉलो, आप पैरवी कीजिए, तो ऑर्डर फॉर्म में आप पैरवी कीजिए, कुल कह दीजिए, ला नहीं अस अलुकुम, आप हमजा फता का ट्रांसलेशन है, मैं सवाल करता कुम तुमसे, अलैहि इस पर, अजरन किसी अजर का, इन इन का ट्रांसलेशन था अगर, मगर इन के बाद अगर इल्ला आ रहा हो इसका ट्रांसलेशन होता नहीं, इन नहीं हुआ वो इल्ला मगर, जिक्रा एक नसीहत, लिल आलमीन तमाम जहान वालों के लिए। आयत नंबर 91, वमा और नहीं कदरू उन्होंने कदर की, इसमें जो वाव और अलिफ है उसकी ट्रांसलेशन है उन्होंने, ये प्लूरल में है, बंद कर दो दरवाजा, ज्यादा पूरा डिस्टर्ब कर दिया मुझे।